यह देश की नई संसद के विहंगम और बेहतरीन नजारे। उद्घाटन से पहले सामने आए संसद भवन के इस वीडियो में संसद की खूबसूरती और भव्यता को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस वीडियो में संसद के गेट से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बैठने से लेकर इसकी नकाशी तक दिखाई गई है। हालांकि नई संसद के उद्घाटन पर पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। नई संसद की छत पर अशोक स्तंभ शान से लगा हुआ है। इसके गेट पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। 4 मंजिला इस भवन में हरियाली का भी खास ध्यान रखा गया है। नई संसद करीब 2.5 साल के रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ है। इस इमारत में देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियां और आर्ट वर्क बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियां भी दिखाई जाएंगी। इनमें गरुड़, गज, अश्व और मगर शामिल है। इसके अलावा भवन में 3 द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। इस इमारत में भारत के आधुनिक बनने तक के सफर की झलक भी देखने को मिलेगी। इस इमारत में एक भव्य संविधान हॉल, एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की जगह भी होगी। लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियों को जुटाया गया है, जो एक भारत, श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। नई संसद के उद्घाटन में बीजेपी समेत 25 राजनीतिक दल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनमें 7 गैर एनडीए दल, बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल, लोकसभा जनशक्ति पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल है। वहीं कांग्रेस समेत 21 दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। सदन में हर सांसद की सीट के आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी लगा है। संसद के दोनों सदन में वोटिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का सांसद इस्तेमाल करेंगे। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। लोकसभा हॉल में 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा हॉल में 384 सांसद बैठ सकते हैं। हरे रंग की थीम वाली जगह लोकसभा है। इसमें कोई दो राय नहीं, नया संसद भवन भारत की शताब्दियों पुरानी लोकतांत्रिक यात्रा का गौरवशाली कीर्ति स्तंभ है। निसंदेह ये देश की लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा।